हे गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज आप लोग देख रहे हैं वापस से ऐसे ब्लॉग्स। और होप सो आप लोग सब बढ़िया हो। और आज का दिन बहुत प्यारा है, आज है बकरीद। आप सभी को ईद उल जुहा बहुत ज़्यादा मुबारक। और मैं मतलब क्या बोलूँ आज के बारे में कि मतलब ठीक है, अच्छा लगता है। ईद होती है फिर बकरीद होती है, दोनों का एक अपना अलग अलग मतलब है। तो अभी मैं आपको बकरीद के बारे में भी बताऊँगा कि बकरीद हम लोग क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, क्या होता है इसमें। बाकी काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं ईद की तरह, लेकिन कुछ दूसरे रीजंस होते हैं जो हम लोग बकरीद बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। बहुत लोग के दिमाग में ये बात होगी। तो पहली बात तो आप सबको मुबारक। खूब दबा के मैं आपको अभी सिवाई दिखाऊंगा, खिलाऊंगा नहीं, क्योंकि कोरोना चल रहा है भाई, किसी को घर पर नहीं बुलाया है मैंने। तो अभी आपको खूब ढेर सारे मैं पकवान दिखाऊंगा, सारी चीज़ें दिखाऊंगा, मस्त लगेगा। और यार ये मेरे अंदर बहुत है कि मुझे वर्ड्स पता होते तब भी मैं तो आप लोग से जब बात करता हूं तो मैं पता नहीं क्यों हिंदी में चला जाता हूं। मुझे एक्सेंट इंग्लिश में बात करनी चाहिए, मैं हिंदी में बात करता हूं, हो जाता है पता नहीं क्यों ऐसा होता है। लेकिन जब जब मैं ब्लॉग करता हूँ मैं एकदम स्पष्ट मतलब एकदम ऐसी वाली हिंदी बोलने लगता हूँ जो कि मतलब मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में नहीं बोली। मेरी क्लास टीचर स्कूल के टाइम परेशान रहती थी कि यार ये हिंदी में फेल होता है या कुछ होता है, आज मैं ऐसी ऐसी हिंदी बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। तो चलिए अभी कार में आके बैठे हैं, थोड़ा सा हमने कहा कि सब लोग उठ ही चुके हैं तो आज बहुत जल्दी उठ गए थे सब लोग, क्योंकि नमाज सुबह सुबह होती है। तो हमने कहा चलो फिर एक थोड़ा सा रन अप भी मार लेते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं। तो वही चल रहे हैं, चलिए चलते हैं। दिन आज का भी बहुत प्यारा हो गया, काफ़ी अच्छा हो गया दिन आज का। मतलब जल्दी ये ऐसा कुछ होता नहीं है, बकरीद में तो हर साल धूप 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 हो रही है। आज पहली बार मैं देख रहा हूँ कि आज बकरीद में बारिश बारिश खूब धमके हो रही है, सुबह से बारिश ही हो रही है, बहुत बड़ी बात है। और आप लोग से मैं कहना चाहूँगा कि हाँ मैं ड्राइविंग करते हुए वीडियो तो बना रहा हूँ, लेकिन मैं वीडियो हर चीज़ देख समझ के बनाता हूँ। मैं फ़ोन पे ज़रा भी अपनी आँख नहीं रखता, मैं अपनी आँख हमेशा सीधे गाड़ी पे ही रखता हूँ, रोड पे ही रखता हूँ। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं वीडियो बनाने के चक्कर में गाड़ी ख़राब चलाऊँगा। तो बस आप लोग से ये मतलब ये मत करिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है रील्स वगैरह ये सब बनाते बनाते वो लोग वो बनाते हैं और अपने फ़ोन में लगे रहते हैं और आगे गाड़ी नहीं देखते हैं, तो वो चीज़ अच्छी चीज़ नहीं होती है। आप रील्स बनाइए, सब कुछ बनाइए, लेकिन उतना आप मैच्योर भी रहिए कि आपको ऐसे बनाना है। ये नहीं कि आप अपना फ़ोन पे लगे हैं और सामने वाला आ रहा है आपने देखा ही नहीं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और वैसे भी मेरा फ़ोन तो मेरे मुंह पे लगा रहता है तो मैं वैसे भी आप लोग को देख पाता नहीं हूँ। चलिए अभी चल रहे हैं मैं ईगो की तरफ, अभी आप लोग को दिखाते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक आप देखिए थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स। क्या क्या बना रही हैं? और वो क्या नाम है, मुर्ग मुसल्लम। और वो क्या नाम है, कोफ्ता 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 कोफ्ता। और वो क्या बोलते, चुस्ता चुस्ता। हाँ, और वो क्या नाम है जो वहाँ पसंदा हो रहा है, पसंदा फूलपुर में नहारी खाएंगे। अरे तू साजिद नाम तू परही रखेंगे ना, नान के साथ परही। अरे भाई साहब बारिश 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 हर टाइम बारिश। आज ही बारिश रुक नहीं रही है। Oh my God! भाई भाई साहब बहुत तेज बारिश हो रही है फिर से, कच्चा भी बारिश हो रही है, फिर आज का दिन भी लग रहा है पूरा बारिश में ही निकल जाएगा। अच्छा खासा सही थे ये लोग। देखिए आप लोग समझ आ रहा होगा, बारिश बेनतहा बारिश। चलते हैं फिर, अब जा रहे हैं कुछ मेन सामान लेने के लिए जिसके लिए आज का दिन बढ़िया होता है, बिरयानी।
बिरयानी 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 एक ऐसी चीज़ है मतलब जिसके लिए हम 18-20 किलोमीटर भी जा सकते हैं, जिसके लिए हम मतलब जहाँ बोलो वहाँ पहुँच जाएंगे। हम इतनी हमको पसंद है। तो चलिए अभी रास्ते में आप लोगों को शॉर्ट्स दिखाते हैं थोड़ा बहुत, चल रहे हैं अभी आके भी घर, आके भी घर से ही हमको पता चलेगा कि कहाँ जाना है लेने। बहुत ही जबर बारिश हो रही है यार आज। इतने दिन से मन कर रहा था गाड़ी चलाने का, आज लो चला ही ले हो, जितना चलाना है। और गाड़ी से बाहर मत उतना भाई। ओके, पानी भरा है। अलग ही तेज बारिश हो रही है आज। तो जो लोग इस इलाके को नहीं जानते होंगे, ये लखनऊ में है भाई, ये इको गार्डन रोड है, जिसको जेल रोड भी पहले बोला जाता था। ये जो बगल में राइट हैंड साइड पे सारी इलाके चल रहे थे, पहले यहाँ पे जेल हुआ करती थी, अब जेल यहाँ पे नहीं है, जेल शिफ्ट कर दिया गया है। और ये है हमारा इको गार्डन, काफ़ी अच्छा लुक देता है, लेकिन बारिश ना हो रही हो और गर्मी हो तो बहुत अच्छा एक गर्मी का एहसास भी देता है। और पता नहीं इतनी गर्मी के एहसास में लवर्स और जितने भी सब लड़के वड़के होते हैं, लड़कियाँ होती हैं, पता नहीं कैसे इसके अंदर चली जाती हैं, हमें यही नहीं समझ आता। तो ये मशहूर बहुत इन सब चीज़ों में रहा है कि कोचिंग होती हैं यहाँ पे काफ़ी अंदर, बड़ी बड़ी कोचिंग होती है, खंडेलवाल अंडेलवाल से लेके जितने भी बड़ी बड़ी कोचिंग सब अंदर होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग यहाँ पे हुई हैं। तो ये बना बहुत प्यारा है, लेकिन बेकार, मेरे लिए बेकार। कि मतलब क्या ही करेंगे यार इतने बड़े उसमें जाके, जैसे कोई प्लेग्राउंड बना देते तो खेलते यार उसमें कम से कम। यहाँ पे एक बड़ा सा अच्छा था, एक वो बन जाता था, क्या बोलते हैं, क्रिकेट स्टेडियम बन जाता था। चलिए अभी चल रहे हैं आकिब के यहाँ, तो बात करते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो जस्ट अभी हम आए थे, तो हमने सोचा मतलब है आज ईद का टाइम है, तो जहाँ लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, कुछ दोस्त यार यार ऐसे होते हैं कि आ ही जाएंगे, घर आ जाएंगे, कुछ नहीं तो मैं जा जाऊँगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे मिलते तो हैं लेकिन उनको घर वर आने वाला सीन नहीं रहता है, तो मैंने सोचा कि उन लोगों के लिए अभी लेके चलता हूँ, लेके उनको दे देता हूँ। तो अभी मैं आया था जस्ट ब्लैक बॉल स्नूकर पूल, तो ये भी एक मेरा एक शौक है, मुझे बहुत पसंद है स्नूकर खेलना। तो कभी कभार मैं यहाँ आया करता था, तो आज मैंने सोचा कि भैया के लिए लेके आता हूँ। तो भैया बस भैया भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, ईद का माहौल है, चल रहा है। अभी आ रहे हैं दो तीन दोस्त आ रहे हैं, फिर खेलेंगे। तो थोड़ा आपको शॉट वॉट दिखाते हैं, मतलब बहुत टाइम से मैं खेल रहा हूँ लेकिन उतना पक्का नहीं हूँ, लेकिन खेलता रहता हूँ। तो चलिए अभी कुछ लोगों का वेट कर रहा हूँ, आ जाएँ तो फिर खेला जाए। शॉट शॉट है भैया। जब पढ़ने की इच्छा होगी तभी तो फिर फीस जमा होगी, ऐसा थोड़ी ना हो जाएगी। सब डाल चुके हैं, वो सब है, वो सब है। क्या हराम की बातें कर रहा है। हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। सारा टाइम हो चुका है, काफ़ी पसीना पसीना हो गया था, गाड़ी में बैठ के आपके लिए वीडियो बना रहा था, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा शांति है। तो मैं जल्दी जल्दी आपको बताना पाऊँगा कि हम लोग ईद उल जुहा क्यों बनाते हैं। तो हमारे नबी हैं जो सैयद इब्राहिम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं, जिनकी वाइफ हैं, तो उन्होंने मन्नत मांगी थी क्योंकि उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने एक मन्नत मांगी थी कि जिस दिन मेरे बच्चे हो जाएंगे उस दिन मैं आपको एक बच्चा कुर्बान कर दूँगी, अल्लाह जी को एक कुर्बान कर दूँगी। तो इस वजह से उन्होंने मन्नत मांग ली, फिर उनके बच्चे हुए और वो इस चीज़ को भूल गई थी कि उन्होंने कोई मन्नत मांगी थी। और उस मन्नत को ना पूरा करते हुए एक दिन उनके रात में उनको सोते हुए एक सपना आया, जो कि ये आया कि आपने एक मन्नत मांगी थी, आपने उसको पूरा नहीं किया, इसलिए अब आपको अपने सबसे चहेती औलाद को कुर्बान करना होगा। तो सबसे चहेती औलाद क्या होती है? सबसे छोटी औलाद, मतलब जो सबसे छोटा होता घर में, तो जो थे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो यह हुआ कि उनके उन्होंने अपने शौहर को बताया, शौहर मतलब हस्बैंड को बताया, तो हस्बैंड भी बहुत टेंशन में आ गए। फिर उन्होंने अपने बड़े बेटों को बताया, फिर सबको पता चल गया, फिर छोटे बेटे को भी पता चल गया। तो जब छोटे बेटे को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे उनके लिए कुर्बान किया जा रहा है तो मैं हाजिर हूँ, मुझे कुर्बान कर दीजिए। तो सब कुछ हो गया, तो कुर्बान करने के लिए सब लोग
जंगल की तरफ गए, सब लोग नहीं, सिर्फ उनके फादर और वो सब। तो जब वो लोग वहां गए तो क्या हुआ कि भाई कोई भी अपने बाप, कोई भी बाप अपने बेटे को मार नहीं पाएगा अपने आंखों के सामने। तो ये हुआ कि भाई अपने आंखों में पट्टी बांध दिया जाए, तब हम ये किया जाए। तो जब वो वहां पे लेटे हुए थे तो उन्होंने बोला, पापा अब्बा चाकू चलाइए। तो उन्होंने चला दी, फिर थोड़ी देर बाद आवाज आई, अब्बा चाकू चलाइए। फिर उन्होंने चला दी, फिर तीसरी बार उन्होंने आंखें खोल ली और जब देखा तो वहां पे एक डुम्बा भेड़ होता है, ये जो मेन होता है, जो जिसपे ईद उल जुहा की बकरीद होती है, तो वो भेड़ होता है, तो डुम्बा उसको बोलते हैं। तो वो बीच में आ गया था जिसकी वजह से वो कुर्बान हो गया था, इसी वजह से आज ईद उल जुहा हम लोग ऐसे बनाते हैं। अगर ईद उल जुहा हमारी दोनों खुशी और गम की दोनों दोनों का त्यौहार होता है, अगर डुम्बा ना आया होता बीच में तो हर एक शख्स को अपनी औलाद को कुर्बान करना पड़ता, जो कि नामुमकिन चीज़ होती है आज के ज़माने में। तो वही चीज़ है, और आज बस इसी वजह की खुशी है क्योंकि वो औलाद बच गए जो हमारे हुजूर थे, और डुम्बा की वजह से हम लोग बकरीद बनाते हैं। डुम्बा हर जगह नहीं पाया जाता है, इसी वजह से डुम्बा कहीं पाया जाता है तो वहाँ उसकी होती है, जैसे यहाँ पे भेड़ की हो जाती है, बकरे की हो जाती है, वैसी सऊदी अरब में ऊँट की होती है, बहुत जगह जगह अपना अलग अलग सीन होता है। तो यार एक चीज़ और थी, मैंने कुछ स्टेटस पढ़ा कि यार तुम लोग ऐसा ऐसा क्यों करते हो, ज़बा क्यों करते हो, इतने इतने बेफले क्यों ज़बा कर रहे हो। तो भाई एक बात बताएं, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं घुसना चाहिए, मैं कोई भी गलत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आप लोग के लिए ही बोल रहा हूँ कि मतलब यार हम लोग भाई भाई हैं। मेरा जो दोस्त है उसके घर में पूजा पाठ होता है तो मैं बैठता हूँ, उसके घर में कोई दुख होता है तो मैं बैठता हूँ, उसके घर में कोई खुशी होता है तो मैं बैठता हूँ, वैसे ही वो भी है। अगर मेरे घर में कोई चीज़ होती है तो वो आता है और वो मेरे साथ खड़ा रहता है, चाहे कोई भी वक्त हो चाहे जैसे। तो ये होता है अपन लोग का सिस्टम, अपन लोग ऐसे रहेंगे तो इंडिया आगे चलेगा, अपन लोग अगर आपस में ही लड़ते रहेंगे ना तो फिर कर लो अपनी तरक्की भाई, होता रहेगा तुम लोग का तरक्का, तुम लोग इधर करते रहना उधर करते रहना। तो सबसे बड़ी बात है साथ रहो खुश रहो। तो हम ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और होप सो आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। जिन लोगों ने अभी तक देखा उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और खूब जल्दी पॉपुलर बनाइए यार, मुझको बहुत जल्दी पॉपुलर बनाइए बस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।